इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर, कर्नाटक से जुड़ी हुई इलेक्शन की खबर है, इलेक्शन ब्रेकिंग है। पाकिस्तान से निकलकर अब आज की बड़ी खबर पर आते हैं, और आज की बड़ी खबर यह है कि कर्नाटक का किंग कौन बनेगा, यह बड़ा सवाल है। और जनता बताने वाली है हम किसको किंग बनाएंगे, किसको हम कुर्सी पर बैठाएंगे, किसको हम ताज पहनाएंगे, ये आज डिसाइड होगा अब से कुछ ही मिनटों में। आप समझिए करीब 10 से 15 मिनट का वक्त है जब मतदान शुरू हो जाएगा। मतदान केंद्रों की आपको तैयारी भी दिखाई गई है, किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सुरक्षा के तमाम इंतजाम वहां पे किए गए हैं, व्हीलचेयर का इंतजाम वहां पर है। आप समझिए कि किस तरीके से चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है। 224 ऐसी सीटें हैं जिन पर आज चुनाव होने वाला है। दक्षिण की राजनीति का जो द्वार है वो कर्नाटक से खुलता है, और कर्नाटक पर कब्जा करना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या कांग्रेस जो है वो अपनी जगह बना पाएगी जनता के दिलों में, या बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हर बार की तरह ही चुनाव भी लड़ा गया है, क्या इस बार भी बीजेपी जीत पाएगी, बीजेपी के हाथ में होगा ये कमान कर्नाटक की, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 113 का जो चाहिए, 10 तारीख को यानी कि आज ये मतदान का दिन है, और आज डिसाइड करने वाली है कर्नाटक की जनता किसको हम मैंडेट देंगे। मतगणना 13 तारीख को होगी, यानी 13 तारीख को रिजल्ट सामने आएगा इन तमाम नेताओं का, यानी कि आप समझिए कि आज एग्जाम है इन तमाम नेताओं का। जमीन पर जाकर इन्होंने कर्नाटक की जनता के लिए क्या किया है ये जनता आज बताने वाली है। आज इन तमाम नेताओं का एग्जाम है, उनकी आज परीक्षा है, और इस परीक्षा की बात करें तो परीक्षा में तमाम दिग्गज नेता उतरे हैं और साख दांव पर लगी है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है, देखना दिलचस्प होगा कि जनता प्रधानमंत्री चेहरे के चेहरे पर कितना भरोसा जताती है, प्रधानमंत्री की योजनाओं पर कितना जो है वो भरोसा करती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें 7 दिन वहां पर रहे हैं, राहुल और प्रियंका की बात करें तो 9 से 8 दिन वहां पर रहे हैं, जमकर प्रचार किया है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये प्रचार वाकई में वोट बैंक में तब्दील हो पाता है, वोट में तब्दील हो पाता है, नहीं हो पाता। आपको दिखा रहे हैं कि इस मैदान में कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, बिग फेस कर्नाटक के इस चुनाव में, वो आपको बता रहे हैं कि कौन कौन है। 2 बार प्रदेश के सीएम रहे HD कुमारस्वामी, कनकपुरा सीट से सांसद रहे हैं, 2004 में पहली बार विधायक बने थे, चंदापाटन सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, किंग मेकर की भूमिका में थे, और 2019 में उनकी सरकार गिरी, JDS को कर्नाटक में मजबूत इन्होंने बनाया है। कर्नाटक का ये मुकाबला इस बार त्रिकोणीय बनाया है, बिना JDS के कर्नाटक की राजनीति अधूरी कही जाती है। अब देखना होगा कि क्या इस बार भी JDS किंग मेकर की भूमिका में नजर आती है या नहीं आती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चुनाव की तैयारियां हैं। आप पोलिंग स्टेशन की तैयारी भी देखिए कि पोलिंग स्टेशन पर किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम है, वहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए EVM मशीन्स को चेक किया गया, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, वहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम है। आप देखिए कि एक एक चीज की जानकारी ली गई है, एक एक चीज को सुनिश्चित किया गया है कि चुनाव सुचारू रूप से सुरक्षित ढंग से हो पाए, ये तमाम तैयारियां हैं। पूरा प्रोसेस चेक किया गया है किस तरीके से EVM में वोटिंग होगी, और EVM में कैद हो जाएगी आज तमाम नेताओं की किस्मत। तो आपको बता दें कि 2000 से ज्यादा ऐसे नेता हैं जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 224 सीटों पर 113 का जादुई आंकड़ा है जो जीत के लिए चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप जानिए, बिग फेसेस की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बड़े चेहरे चुनावी मैदान में है। बिग फेस के नाम पर बात करें तो कर्नाटक की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे की साख भी दांव पर लगी है। कनकपुरा सीट की अब आपको दिखा रहे हैं, GK शिवकुमार सक्रिय हैं, 1985 से राजनीति में कांग्रेस का बड़ा चेहरा कहे जाते हैं, 7 बार के विधायक रहे हैं, और उनकी भी ख्वाहिश है कि मुख्यमंत्री वो बने। बोकालिंगा जाति से आते हैं, ये दूसरी बड़ी जाति है बोकालिंगा जो कर्नाटक के अंदर है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर किस तरीके से जातीय समीकरण है। सीएम पद के लिए दावेदार है, सीएम पद के दावेदार कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस के अंदर लगातार सीएम को लेकर के ये उठापटक चलती है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, और आखिर में कहा जाता है कि जो
नेतृत्व कहेगा, केंद्रीय नेतृत्व कहेगा, उसके हिसाब से हम आगे चलेंगे। शिगगांव एक हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पर बसवराज बोम्बई 3 बार से विधायक हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में है। 2008, 2013, 2018 में वो जीते हैं। लिंगायत जाति से आते हैं बसवराज। लिंगायत अगर जाति की बात करें, 17% वहां पर लिंगायत जाति के लोग हैं और इनका कहना यह है बीजेपी का कि तमाम लिंगायत जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ हैं। कई पोर्टफोलियो का इनको अनुभव है। आप समझिए कि इस तरीके से बसवराज बोम्बई जो है वो एक बार फिर से चौथी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। 2008 के बाद से लगातार चुनाव जीते आ रहे हैं। अभी बात करें सीट शिकारीपुरा की, वो आपको दिखा रहे हैं, बिग फेस यहाँ पर भी है और यहाँ पर BY विजेंद्रन ये भी चुनावी मैदान में है। येदुरप्पा के राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं, पेशे से वकील हैं, शिकारीपुरा सीट से उतरे हैं चुनावी मैदान में। कर्नाटक बीजेपी से हैं ये और बीजेपी के युवा नेताओं में इनको शुमार किया जाता है। नए चेहरों को मौका दिया है बीजेपी ने कई, और कई अपने नेताओं को खोया भी है, जिनमें बड़ा नाम जगदीश शेट्टार का भी है। जगदीश शेट्टार का जाना क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन शिकारीपुरा सीट का मुकाबला भी काफी दिलचस्प है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वरुणा सीट से कांग्रेस का बड़ा चेहरा सिद्धरमैया है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो भी मुख्यमंत्री फिर से बनना चाहते हैं। 1978 से राजनीति में सक्रिय है, कुरुबा जाति से आते हैं और CM पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आप समझिए किस तरीके से जातीय समीकरण काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बात करते हैं हम कर्नाटक की राजनीति के अंदर जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। मठों की राजनीति से अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की बात करें, इन चुनाव प्रचार के दौरान वो मठों में भी गए हैं ताकि मठों का जो प्रभाव इन चुनावों पर है वो अपने पक्ष में कर पाए। आप ये समझिए किस तरीके से वरुणा सीट पर सिद्धरमैया चुनावी मैदान में है। 2006 में कांग्रेस में शरीक हुए थे और चुनावी मैदान में इस वक्त वो है वरुणा सीट से। ये भी एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। सिद्धरमैया की बात करें तो वो भी चुनाव लड़कर के जीतना चाहते हैं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। तो आप समझिए कि कांग्रेस के अंदर कितने सारे दावेदार हैं, किस तरीके से सिद्धरमैया जो है चुनावी मैदान में है वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे। 2006 में कांग्रेस में शरीक हुए थे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोट शेयर देखिए 2018 का, मतदान प्रक्रिया की बात करें तो मतदान प्रतिशत रहा है 72.3%, बीजेपी को 36.2%, कांग्रेस को 38%, JDS को 18.3% और अदर्स को मिला है 7.5%। ये वोट शेयर आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट शेयर हालांकि कांग्रेस के पास था, बीजेपी के पास उससे थोड़ा कम रहा है। JDS तीसरे नंबर पर रही है। JDS की बात करें तो JDS हमेशा किंग मेकर की स्थिति में कही जाती है। अब देखना होगा कि इस बार वोट शेयर कितना बदलता है, कितना नहीं बदलता है, क्या इस बार भी जो है बीजेपी जिस तरीके से धुआंधार प्रचार कर चुकी है उसके बाद उसे कोई फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये एक देखना दिलचस्प बात होगी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कर्नाटक के इन चुनावों को जीता जाए। JDS की बात करेंगे, JDS की अगर बात करें तो कर्नाटक की राजनीति में कहा जाता है कि JDS किंग मेकर की भूमिका में रहती है। JDS का इन चुनावों पर देखना होगा कितना प्रभाव पड़ा है, क्या वाकई इस बार भी किंग मेकर की भूमिका में रहती है या नहीं रहती है, JDS का वोट शेयर बढ़ता है या नहीं बढ़ता वो भी देखना होगा। ये अदर्स जो है, ये अदर्स कहा जाता है कि खेल करने वाले होते हैं। 7.5% की बात करें तो 7.5 वोट शेयर जो इनको मिला है उससे कितना फायदा पहुंचेगा, क्या ये अदर्स जो है इस बार भी खेल करेंगे इन चुनावों में। तो आपको बता रहे हैं किस तरीके से चुनावी मैदान में अब से कुछ ही चंद मिनटों में वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है। करीब 3 से 4 मिनट का समय बचा हुआ है। अब आप समझिए कि जिस तरीके से लगातार अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार में लगातार बीजेपी के, कांग्रेस के बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरे हैं। मुद्दों की बात करें तो कई मुद्दे जो है हमेशा रहते हैं, सदाबहार मुद्दे रहते हैं, चाहे बिजली पानी का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो,
ये तमाम मुद्दे ऐसे रहते हैं जो हमेशा रहते हैं, लेकिन हर चुनाव में कुछ मुद्दे सीजनल भी होते हैं। ये सीजनल मुद्दे भी कर्नाटक में कितना प्रभाव डालेंगे ये भी आपको बताएंगे। लेकिन चुनाव के इस मौके पर कर्नाटक की जनता इस बार बढ़ चढ़कर वोटिंग में भाग ले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने प्रचार खत्म होने के बाद कर्नाटक की जनता के लिए एक मैसेज भी उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक को नंबर वन बनाना है, इसीलिए बढ़ चढ़कर इस वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि चंद मिनटों में आप समझिए कि वोटिंग शुरू होने वाली है। 224 सीटों पर ये वोट होगा और उसके बाद जादुई आंकड़ा 113 का है। ये जानना जरूरी होगा कि 113 सीटों पर कौन जीतेगा, क्या वाकई क्लियर मैंडेट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। या जेडीएस की बात करें, जेडीएस जो है इसमें खेल करेगी, जेडीएस क्या किंग मेकर की भूमिका में आएगी, या क्लियर मैंडेट बीजेपी को मिलता है या क्लियर मैंडेट कांग्रेस को मिलता है, देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन लगातार अपील की जा रही है कि कर्नाटक के तमाम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, वोटिंग करें, ये काफी महत्वपूर्ण है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ ही सेकंड के अंदर वोटिंग शुरू होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, पार्टियों का प्रदर्शन देखिए 2018 में किस तरह करा है। बीजेपी ने 104 सीटें जीती है, वोट शेयर 36.2 रहा है। 78 सीटें कांग्रेस ने जीती, वोट शेयर उसका 38% रहा है। जेडीएस की बात करें, 37 सीटें जीती है, 18.3% वोट शेयर रहा है। यह पार्टियों का 2018 का प्रदर्शन है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या यह प्रदर्शन बेहतर हो पाता है अलग अलग पार्टियों का, या अगर बात करें जनता क्लियर मैंडेट देती है नहीं देती है, तमाम चीजें ये आज देखने को मिलेंगी। यानी कि कर्नाटक की जनता वोट करने वाली है, ये आज नेताओं की परीक्षा है। उन्होंने पिछले चंद सालों में, 4-5 साल में जो काम किया है, जनता उसके आधार पर वोट करती है, या जो स्थानीय सीजनल मुद्दों की मैं बात कह रही हूँ, सीजनल मुद्दों के ऊपर जाकर वोट करती है। अब सीजनल मुद्दे कौन से है वो भी आपको बता दे, हिजाब का मुद्दा है, इसमें हिजाब के मुद्दे के साथ साथ टीपू सुल्तान का मुद्दा है और दूध का मुद्दा है। आप समझिए कि ये मुद्दे ऐसे हैं, सीजनल आए और गए। और लेटेस्ट की अगर बात करें तो बजरंग दल इज इक्वल टू बजरंग बली बना दिया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरीके से लगातार टिप्पणियां की गई हैं उसको भी इसमें मुद्दा बनाया गया। ये सीजनल मुद्दे हैं, क्या इनका इफेक्ट इन चुनावों पर पड़ेगा ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। तो क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करने जा रही है, ये भी हम अपने मेहमानों से जानेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप जानिए कि वोटिंग प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में शुरू होने वाली है, यानी कि 7:01 बचा है और आप जानिए कि 7 बजे वोटिंग शुरू होने वाली है। आपको हमने पोलिंग बूथों की तस्वीरें लगातार दिखाई हैं, किस तरीके से पोलिंग बूथ पर जो है पूरा प्रोसीजर जो है वो चेक किया गया, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और जो भी विकलांग लोग आते हैं, बीमार बुजुर्ग लोग आते हैं, उनके लिए व्हील चेयर की सुरक्षा जो सुविधा है वो भी उपलब्ध कराई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 7 बज चुके हैं। आप भी अपनी घड़ी जरा इंडिया न्यूज से मिला लीजिए, क्योंकि इंडिया न्यूज पर महा कवरेज कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर जारी रहेगी, पूरे दिन जारी रहेगी। मेरे साथ अब से कुछ ही मिनटों में हमारे तमाम मेहमान जुड़ेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, और इन कर्नाटक चुनावों को लेकर के क्या कुछ खबर है सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको बताएगा।